आइकॉनिक इंडिया 2017 की एक और विनर पूनम संदूजा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पूनम जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस अवार्ड पाने के लिए। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप? आई एम ब्यूटिशियन। मैं, मुझे लोगों को सुंदर बनाना बहुत अच्छा लगता है। कैसे कैसे सुंदर बनाती हैं आप उनको? जो लेटेस्ट ट्रेंड में है वो सब एक्टिविटी करके जो कुछ ट्रेंड में है। कपड़ों से जुड़ा हुआ भी कुछ करती हैं आप? खाली मेकअप पर? ओनली मेकअप, मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट। तो अभी आप कहाँ पर बेस्ड हैं? दिल्ली से ही हैं? नो, आई एम फ्रॉम पंजाब। पंजाब में कहाँ? डिस्ट्रिक्ट मानसा। तो वहाँ से यहाँ का सफ़र कितने दिनों में आपने तय किया? कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं नियर अबाउट 9 सालों से काम कर रही हूँ। यहाँ का सफ़र तय, यहाँ का मतलब कि दिल्ली से? नहीं, यहाँ इस अवार्ड तक। इस अवार्ड तक 9 ईयर्स, 9 साल लग गए। 9 साल लग गए। तो आपको लगता है कि इस तरह के अवार्ड्स जब हुए हैं और ख़ासतौर पर मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये अवार्ड कितना मायने रखता है, क्योंकि आपके काम को पहचान मिल रही है, इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है? ये किसी के अंदर की कला को उभारने के लिए बहुत अच्छा मंच है। मतलब कि अगर किसी कमी है जो मैं, अगर किसी आर्टिस्ट के अंदर इनक्रेज बढ़ानी है तो ये मंच बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि इससे आपको इनकरेजमेंट मिलेगी, उत्साह मिलेगा कि आप अपना काम और अच्छा करें, ज़्यादा करें और दूसरे लोगों को भी इनकरेज करें कि आप भी ये काम करिए? यस, ये तो है। तो आप अपने शहर में जाके बताएंगे कि अब मुझे ये अवार्ड मिला है, मतलब मैं ज़्यादा अच्छा काम करती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर बताऊँगी। एक पहचान मिलती है, आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, ज़रूर। चलिए, पंजाब वालों इनको ज़रा नोट कर लो आप, क्योंकि ये अवार्ड ही हैं, मतलब ये बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। प्लीज़ नोट। थैंक यू सो मच।